रुद्रपुर 9वीं राज्य स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिता का केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब हाई स्कूल और इंटर के टॉपर को सरकार प्रमाण पत्र के साथ 25,000 की धनराशि भी देगी। उन्होंने कहा कि बालक ब्लॉक में 2 PM वर्ल्ड क्लास विद्यालय बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब हर साल खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा ताकि बच्चों में खेल की भावना बढ़ सके। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयास कर रही है। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 12 लाख छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से बैग, किताब, क्रीडा का सामान, पुस्तकालय और प्रत्येक स्कूल में शौचालय टीचर्स दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का भी सुधार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक में सरकार 2 PM श्री स्कूल बनाने जा रहा है जिसमें वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं दी जाएगी, जिसका चयन प्रक्रिया जो है शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 30,000 प्राइम टीचर्स को भी टैबलेट दिया जाएगा जिसका प्रयोग टीचर्स बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उधम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। हॉकी के खिलाड़ी राम बहादुर छेत्री, कैप्टन धन बहादुर थापा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने काफी अभिनव प्रयोग किए हैं। अब हम लोग एक बड़ा काम में कर रहे हैं कि जितने भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लगभग 12 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों को सबसे बैग दिए जाएंगे, किताबें फ्री दी जाएंगी, क्रीड़ा का सामान दिया जाएगा, पुस्तकालय का सामान दिया जाएगा, हर स्कूल में शौचालय की व्यवस्था होगी, हर स्कूल में टीचर की व्यवस्था होगी और स्कूलों को बहुत व्यापक स्तर पर सुधार करने का भी काम किया।